आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों की, कल्पना करें कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में कोई प्रतिकर्षण बल नहीं है, लेकिन धनावेश तथा ऋणावेश के मध्य बल पूर्वानुसार कूलाम के नियम से दिया जाता है, ठीक है। और इन परिस्थितियों में हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में ऊर्जा को परिकीर्त कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हल क्या है। हमें बात पता है कि जो HE परमाणु है, HE परमाणु, इसको कैसे बताते हैं बच्चों हम लोग? इसको बताते हैं 2HE4, यानी कि इसका द्रव्यमान 4 और द्रव्यमान संख्या 4 है, और जो इसका परमाणु क्रमांक है वो है 2। यानी कि अगर मैं इसके लिए ये इसकी Z की बात करूं तो Z बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 2E, यानी कि इसके ऊपर जो आवेश है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चा, अगर मैं इसके लिए En का मान निकालता हूं तो En कितना होता है हमारे पास में? En है ना, वो बराबर कितना होता है? माइनस का एम ई का स्क्वायर है ना, और जेड के स्क्वायर, ठीक है। और बटे में कितना आ जाता है? वो आता है 8 ε₀ का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर जेड बराबर कितना है? 2E है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का एम, अच्छा यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा 4, एम ऐसा का ऐसा ही है, ई का स्क्वायर और ई का स्क्वायर, यानी कि ई की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में 8 ε₀ का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो ये वाली जो चीज है ये क्या आ रही है? यही तो इसके पास में ये निम्नतम अवस्था की ऊर्जा होती है, यानी कि यही जो हमारे पास में ई एन आ गई, वो बराबर कितनी आ गई हमारे पास में? या और ये ऋणात्मक चिन्ह भी इसके साथ ही आता है, यानी कि 4E के बराबर आ गई। ये वाली चीज ध्यान रखिएगा। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? ई का मान निकालना है, यानी कि ई क्या होती है बच्चों? कि जो हमारे पास में निम्नतम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या होता है, अतः हम लोग जानते हैं, अतः निम्नतम अवस्था में, निम्नतम है ना, निम्नतम अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना, ये बराबर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरे पास में ई बराबर है ना, ये ई तो है, तो ई बराबर कितना होता है? माइनस का एम ई की घात 4/8 ε₀ का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर वाला ही जो था, ठीक है। अब एन बराबर कितना है? एक है हमारे पास में, तो एन बराबर 1 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको जैसे ही मैं हल करूंगा, यहाँ पर सबके मान पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका द्रव्यमान, उसका आवेश 8, और जो सबका मान रख करके, जैसे इसका तो मान हमें पहले ही बात पता है कि जब ग्राउंड स्टेट का होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चा, तब जो En हो जाएगी हमारे पास में, यानी कि सबसे निम्नतम अवस्था की ऊर्जा में, निम्नतम अवस्था में जो उसकी कुल ऊर्जा हो जाएगी, वो बराबर किसके है? 4E के बराबर है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 4 × और माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे पास में माइनस के 13 × 13 = 52 है ना, 52 + 2.4 यानी कि 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।